निशा में आपका स्वागत है और आज की मेरी रेसिपी है मेथी के पराठे। इन पराठों की खास बात यह है कि ये बिना स्टफिंग के बनाए जाते हैं और आज मैं इनको दो खास तरीकों से आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप ऐसी और कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच बेसन, 150 ग्राम मेथी की भाजी, 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ी चम्मच तेल मौन लगाने के लिए, बाकी पराठों को सेकने के लिए। तो सबसे पहले मेथी को 1 से 2 पानी में अच्छे से धो लें, जिससे कि जो भी इसमें मिट्टी है वो उसकी निकल जाए। और अब इसके बाद इसके पत्तों को तोड़कर छोटे छोटा काट लें। तो यहाँ पर मैंने इनको तोड़ के बिल्कुल बारीक काट लिया। तो चलिए तैयार करते हैं इसके आटे को। इसके लिए 1 परात में आटा, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ी चम्मच अदरक, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों के बीच में लेके थोड़ा सा क्रश कर दें और अब इस अजवाइन को भी उसमें डाल दें और इन सब को सूखा मिला लें। और अब इसमें मैं कटी हुई मेथी और 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर उसे भी अच्छे से मिला लूंगी। दोस्तों आप चाहें तो इसमें मक्के का आटा, भुना हुआ जीरा या बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेथी का स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है तो आप इसको उबाल लें और उसका पानी फेंक के उस मेथी का आटा लगा लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप हमेशा हथेलियों में थोड़ा थोड़ा पानी करके ही आटा गूंदें। ऐसा करने से ये गीला नहीं होगा। यहाँ पर मैंने सारे आटे को इकट्ठा कर लिया और अब मैं इसे प्रेस एंड फोल्ड मेथड से गूंदूंगी। आटा हमारा जितना अच्छा और सॉफ्ट लगेगा, पराठे भी हमारे उतने अच्छे बनेंगे। आटा लग के तैयार है और अब हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर इसके ऊपर लगा ले, जिससे कि आटा सूखे ना। और अब हम इसके पराठे सेकेंगे। अब इस आटे का कुछ भाग लेकर हथेलियों के बीच में रखकर इसकी लोइयां बना ले। लोइयों को आप पराठों के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और इसी तरीके से एक एक करके मैंने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है। इन पराठों को हम 2 तरीके से बेलेंगे, पहला स्क्वायर। और अब एक लोई लेकर इसे सूखे आटे में लपेटें, इस तरीके से एक्स्ट्रा आटे को झाड़ लें और अब बेलन की मदद से इसे बेलें। लगभग 4 से 5 इंच बेलने के बाद अब मैं इसकी ऊपरी परत पे तेल लगाऊंगी और तेल लगाने के बाद इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर भी तेल लगाऊंगी और अब मैं इसे इन दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसकी एक स्क्वायर लोई बना लूंगी। स्क्वायर लोई में थोड़ा सा सूखा आटा मल लिया और अब इसे बेल लें। और अब हम इसको ट्रायंगल का शेप देंगे, जिसके लिए आप लोई को लें और इसे भी बेलन की मदद से 4 से 5 इंच डायमीटर का बेल लें। अब इसकी ऊपरी परत पे तेल लगा लें। ऊपरी परत में तेल लगाने के बाद इस पराठे को आधा फोल्ड कर दें और अब बाकी साइड पे भी ऊपर से तेल लगा लें और उसे भी फोल्ड कर लें। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया है और अब सूखे आटे में लगाकर इसे बेलन की मदद से बेल लें। तेल लगाने से क्या होगा कि इनकी लेयर्स खुलेगी और बच्चों को वो लेयर्स बहुत पसंद आती है। अब तवे को गैस पर गरम होने रख दें और देखेंगे तवा अच्छे से गरम हो गया। इस पे पराठे को डाल दें। पराठे को हमें पहली वाली साइड से थोड़ा कच्चा ही सेकना है और आप देखेंगे लगभग 30 सेकंड में ये हो गया है। तो इसे पलट दें, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। तो इसको पलट के देखेंगे तो ये अच्छे से, और अब इसे घी या तेल की मदद से सेक लें। किनारों पे तेल डाल दिए जिससे कि अच्छे से सिक जाए और अब इसे पलट दें। अब इसे दोनों तरफ ब्राउन चिट्टे आने तक सेक लें।
आप देखेंगे हमने बेलते हुए इसके बीच में तेल लगाया था तो कितने अच्छे से लेयर्स खुल रही हैं, और मीडियम फ्लेम में लगभग 1.5 मिनट में पराठा दोनों तरफ से सिक गया है, तो आप इसे बाहर निकाल लें। अब इस ट्रायंगल पराठे को भी इसमें डाल दें। मीडियम फ्लेम में लगभग 40 सेकंड में आपकी पहली साइड सिक जाएगी, तो आप इसे पलट दें ऊपर और किनारों पे तेल डालें। अब इसे दोनों तरफ ब्राउन चिट्टे आने तक सेक लें, और इसी तरीके से एक एक करके सारे पराठों को सेक लें। ये तैयार है हमारे मेथी के पराठे, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। और इन पराठों को आप बच्चों को लंच में या कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ले जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड के सीजन में मेथी अच्छी आती है, तो आप इन मेथी के पराठों को एक बारी घर पर जरूर ट्राई करें। और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तो तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।